स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। आई होप कल का ब्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा, जिसमें हम अपना जो स्पेशल ट्रेनिंग कह सकते हैं लैक्रोस का वो था, उस बारे में बातचीत किए थे। अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो भाई जाके देख ही सकते हो। अभी हम यहाँ अपने देखो ब्रिज के कह सकते हैं ऑलमोस्ट नीचे ही खड़े हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। पीछे हमारे यूनिवेस्ट का बस स्टॉप है और हम यूनिफिट जा रहे हैं, जो कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के प्रांगण में या उसके आसपास एक जिम है। और हम काइसरस्लाउटर्न में रहते हैं जो जर्मनी में आता है। और आज हम सोच रहे हैं कि भाई ज़रा सिटी सेंटर जाते हैं, स्टार्ट मिटा जाते हैं अपना बाल कटाने, क्योंकि ठीक ठाक समय हो गया और सोच रहे हैं भाई जा सकते हैं। ये देखो ये 115 यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी जाती कह सकते हैं बस भी दिखती हुई, ऐसे अलग अलग बस भाई आती जाती रहती हैं अपना जो स्टॉप है। देखो वहाँ रुकी आगे जाके, देखो रोड के उस पर अपना यूनिफिट का झलक भी दिख सकता है सामने और अपना वेलकम बोर्ड भी दिखता हुआ RPTU का। और हम ऑलमोस्ट भाई यूनिफिट के सामने भी पहुंच चुके हैं, बढ़िया बादल दिखते हुए आसमान में भी। तो चलते हैं भाई पहले तो अपना अंदर। देखो यहाँ पे कुछ सामान आया भाई लगता है यहाँ पे, अब भी भाई हमारा जो सामान है चल के लॉकर रूम में रख देते हैं। देखो यहाँ पे अपना भाई इसको लॉक भी कर देते हैं, जरा हो गया। तो चलते हैं भाई ऊपर अपने वर्कआउट सेक्शन में जहाँ अलग अलग प्रकार की मशीन्स भी रखी रहती है। ये देखो ये सामान आया भाई आज यहाँ, लगता है कुछ इसमें मतलब ठीक ठाक हो सकता है मशीन हो या कुछ सामान हो यूनिफिट का। और यहाँ से हमें भाई ऊपर जाना है, देखो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। इधर देखो अलग अलग मशीन्स भी दिख सकती हैं यहाँ पे। तो देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ अंदर का माहौल दिखता हुआ। और हम भी अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, आज अपना डे वन का वर्कआउट है तो उसे कंप्लीट करते हैं। और पीछे अपना फ्रूटी बार का भी झलक दिख सकता है। और जैसा बताया कि बाल कटाने भी जाना ही है तो उसके बारे में भाई बात करेंगे, क्या कॉस्ट है, कहाँ जाना होता है, क्या डिटेल होती है। अभी पहले वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। वर्कआउट तो अपना भाई बढ़िया कंप्लीट हो चुका है, आज का समय का अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1:15 बजने वाला है। हम भी भाई यूनिफिट से पहले बाहर निकलते हैं। ये देखो यहाँ से और बाहर निकलते ही देखो क्या बढ़िया एकदम धूप की चमक दिख रही है, नीला आसमान, बादल बादल दिखते हुए। जैसा बताया हमें स्टार्ट मिटा जाना है बाल कटाने, लेकिन अभी हम सराना एम्फी थिएटर की तरफ जा रहे हैं। देखो यहाँ से निकल के अपना सामने बिल्डिंग नंबर 32 भी दिखती हुई, क्योंकि हमें पता लगा स्पोर्टलर पार्टी जो होने वाली ना उसका टिकट मिलेगा समय में, 12 से 2 का समय दिया गया, तो चल के भाई वो पता करते हैं। देखो भाई यहाँ हम आ चुके हैं सामने एम्फी थिएटर में, एक टेंट भी लगा दिख सकता है सामने। देखो यहाँ पे लगता है टिकट मिलेगी, यहाँ देखो पूछ भी लेते हैं भाई चल के। देखो सामने पोस्टर भी लगा दिख सकता है स्पोर्टलर पार्टी का। तो पीछे से जाके भाई अपना टिकट ले चुके हैं स्पोर्टलर पार्टी का, इसके बारे में भी किसी अलग ब्लॉग में दिखाएंगे बताएंगे। अभी चलते हैं अपना बस पकड़ते हैं स्टार्ट मिटा जाने के लिए। तो देखो भाई यहाँ सामने यूनिस्पोर्ट वाला जो अपना बस स्टॉप है, यहाँ जाना है अपना बस पकड़ने के लिए और कह सकते हैं अपना स्टार्ट मिटा पहुँचने के लिए। ये देखो बस आ चुकी है अपनी, वही चलते हैं। देखो भाई अपना स्टार्ट मिटा भी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे जाना है हमें, ये हमारा बस स्टॉप है। और ये देखो भाई बढ़िया यहाँ पे फाउंटेन दिखता हुआ, सामने राट हाउस दिखता हुआ और हम आगे चलते हैं। जैसे हमें यहाँ से ना भाई सीधा सीधा जाना है अपना जो सैलून है उसके लिए। अरे यहाँ भी लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, बैरिकेडिंग लगी हुई है। चलते हैं हम तो अपना आगे। तो वैसे जिस सैलून में हम जा रहे हैं वो भाई आइजनबान स्ट्रासा में आता है, अपना नाम है उसका इन्फिनिटी। और जब हम कॉमर्स बैंक के लिए जाते हैं ना तो उसी रास्ते में पड़ता है भाई, देखो थोड़ी देर में दिखेगा कॉमर्स बैंक। वहाँ क्या बढ़िया नजारा है ये बस, और सामने देखो प्लेन उड़ता हुआ दिख सकता है भाई बढ़िया। ये देखो भाई ये अपना कॉमर्स बैंक भी दिखता हुआ इसी रास्ते में बाईं तरफ पड़ता है, और हमारा जो सैलून है वो थोड़ा और आगे जाके पड़ता है। ये देखो भाई यहाँ पहले रोड भी क्रॉस कर ली जाए, इंतजार कर रहे हैं अभी तो, रेड लाइट हो रखी है अपना, ये लोग भी थोड़ा थोड़ा वेट करते हुए, ग्रीन भी हो गई है भाई आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी भाई दाईं तरफ पूरा ढका हुआ है ये बिल्डिंग का, लगता है यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम भी ऑलमोस्ट अपना जो सैलून है उस तक पहुँच ही गए हैं, देखो थोड़ी देर में दिख जाएगा। ये देखो भाई यहाँ हमारा दिख भी सकता है सामने इन्फिनिटी सैलून, यही हमें जाना है। देखो यहाँ ऐसे प्राइजेस भी भाई मेंशन हो रखे हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं जो सर्विस चाहिए। हम भी जरा भाई अब अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे भाई अपना तो बढ़िया सेटिंग है भाई, इंतजार कर रहे हैं बाल कटाते हैं और फिर बात करते हैं। तो भाई फाइनली हमारा हेयर कट दिख सकता है हो चुका है, दोनों तरफ से यहाँ छोटे कराए हैं, बीच में भी थोड़े बाल छोटे कराए हैं, यहाँ पीछे अपने इन्फिनिटी सैलून पे सही लग रहा है भाई, बढ़िया समर लुक भी दिख सकता है। हालांकि डिटेल के बारे में बातचीत करते हैं अभी अपना वापसी करते हैं। देखो यहाँ से चलते हैं, धूप का चमक भी दिख सकता है, वाह ट्रक भी जाता दिख सकता है, और हम भी आगे आगे चलते हैं अपना बस स्टॉप के लिए। ये देखो यहाँ पे अपना आले स्ट्रासा जो बस स्टॉप है वो भी दिखता हुआ, हम अपना और आगे चलते हैं सर। यहाँ अपनी सड़क क्रॉस करनी है भाई, सामने देखो मस्त व्यू दिखता हुआ, वहाँ पीछे क्लॉक भी दिख सकती है। देखो चलते चलते भाई देखो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी दिख सकता है, लोग भी बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, हम तो आगे जा रहे हैं। वैसे बताया जाए तो अपने स्टार्ट मिटा के एरिया में भाई हम ठीक ठाक समय बाद आए तो बढ़िया लग रहा है देख के। यहाँ कुछ टैक्सीज भी भाई देखो दिख सकती है, सामने राट हाउस का भी झलक दिखता हुआ, ऑल स्टार्ट फेस्ट का भी पोस्टर लगा हुआ है। हालांकि ऑल स्टार्ट फेस्ट पे भी हम ब्लॉग्स बनाए, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी जाके देख ही सकते। हम यहाँ से भी अपना रोड क्रॉस करते हैं, देखो सामने फाउंटेन का झलक दिखता हुआ। ये देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपना, ये कह सकते हैं स्टाइक F लिखा हुआ है स्टार्ट मिटा का। देखो यहाँ पे हमारी बस आएगी, 10 मिनट दिखा रहा है, थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं अगर देख सकता है। ये देखो अब 2:04 हो रहा है, 10 मिनट में हमारी यूनिवर्सिटी जाने वाली बस आएगी। हम भी तब तक जरा अपना यहाँ फाउंटेन का जो नज़ारा आ रहा है राट हाउस के साथ, इसका भी भाई आनंद उठाते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बस का इस बस स्टॉप पे।
तब तक अगर बताया जाए तो भाई हमारा जो इन्फिनिटी सैलून है ये आइजनबान स्ट्रासा पे पड़ता है, तो सीधा सीधा जाएंगे जैसा दिखाए थे कि कॉमर्स बैंक आता है फिर थोड़े आगे चल के अपना आइजनबान स्ट्रासा पे ही इन्फिनिटी जो सैलून है वो आ जाता है। और ये देखो भाई यहाँ पे हमारी बस भी आ चुकी है, चलते हैं अंदर, पहुँचते अपना पहले अपार्टमेंट की ओर या कह सकते हैं जहाँ अपने स्टूडेंट डॉर्म्स है वहाँ पे। ये देखो भाई चलते चलते भी बढ़िया नज़ारा दिखता हुआ लग रहा है, कह सकते हैं यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं बिल्डिंग्स हैं वो भी दिखती हुई और मस्त भाई ग्रीनरी भी दिखती हुई। और ये देखो भाई यहाँ पे जो स्टे टू अपार्टमेंट्स हैं उनकी बिल्डिंग भी दिख सकती है, कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। और देखो भाई फाइनली हम अपना यूनिवर्स बस स्टॉप पे भी पहुँच चुके हैं। भाई बताया जाए तो भूख तो लग रहा है अपने को ठीक ठाक, तो रूम पे पहुँचते हैं पहले। देखो यहाँ अपनी अलग अलग जो स्टूडेंट डॉर्म्स की बिल्डिंग है वो भी भाई दिख सकती है, जैसे बिल्डिंग नंबर 10 बिल्डिंग नंबर 8 भी सामने। और देखो सामने अपनी बिल्डिंग नंबर 22 और यहाँ भाई ये वैन्स आई हुई है, सही है, अलग प्रकार की लग रही हैं ये भी, अलग अलग प्रकार के औजार निकाल रहे हैं कुछ काम करने आए हैं, सही है भाई ये भी। हम तो अपनी बिल्डिंग में आ चुके हैं, चलते हैं भाई अपना अपार्टमेंट में। चलो भाई एंटर हो चुके हैं और जो सबसे पहला काम है वो है भाई कि जरा नहा लिया जाए। हालांकि जैसे बस देखा होगा तो एक व्लॉग में ना हम यहाँ का जो बस सिस्टम है उस बारे में बातचीत किए हैं, दिखाए हैं, थोड़ा बताए हैं, तो वो वाला व्लॉग भी जाके देख सकते हो। जो रस्ते में जैसे अपार्टमेंट दिखे तो हमारी एक अकोमोडेशन इन जर्मनी की भी प्लेलिस्ट है, उसमें अकोमोडेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। हमारा ये जो कमरा है ना स्टूडेंट डॉर्म का, इसके बारे में भी बातचीत किए हैं विस्तार से, प्राइस के बारे में भी, हालांकि अपना आज जो हेयर कट कराए हैं इसकी डिटेल के बारे में भी बातचीत करेंगे ही, पहले भाई अपना तैयार होते हैं। तो तैयार तो हम अपना हो चुके हैं, सोच रहे हैं अपना जो खाना है ना भाई वो भी जरा तैयार कर लिया जाए क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजे का समय होने वाला है। ये देखो कुछ इस तरीके का मौसम दिखता हुआ, अपना छोला राजमा भाई पक रहा है, गरम हो रहा है और अपना टोटीला भी तैयार हो रहा है। अपने ये जो हाई प्रोटीन रैप्स है ये भाई जरा अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी ये पक जाएगा तो इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ी ड्रेसिंग भी करेंगे। तो फाइनली हमारे ये जो भाई कह सकते हैं हाई प्रोटीन रैप्स तैयार हैं, बढ़िया अपना ड्रेसिंग भी किए हैं, तो इसे निपटाते हैं क्योंकि भूख तो भाई ठीक ठाक लग रही है। जैसे देखा होगा कि सुबह अपना पहले हालांकि एक मीटिंग था, फिर अपना जिम गए थे, उसके बाद अपना बाल कटाने गए, बीच में टिकट भी लिए जाके, अब भाई सोच रहे हैं थोड़ा खा पी के मतलब पानी वानी पी के इसके बाद आराम करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। तो रेस्ट तो हुआ अपना ठीक ठाक, हालांकि अभी अगर बताया जाए तो हमारी एक मीटिंग है मुंतशिर के साथ, थोड़ा स्टडी की रिगार्डिंग ही मीटिंग है और सोच रहे हैं भाई मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है तो शाम के वक्त हम नीचे जाएंगे, तो जब नीचे जाएंगे ना तब जुड़ेंगे और फिर बात करते हैं ये जो हेयर कट का मुद्दा है इसके बारे में। तो बताया जाए तो मीटिंग तो हमारी खत्म हो चुकी है, हम अपने अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसके भी भाई नीचे आ चुके हैं, सोच रहे हैं थोड़ा बाहर चलते हैं और यहाँ का भी मौसम और मंजर दिखाते हैं। अभी तो देखो यहाँ पे साइकिल स्टैंड दिख सकता है, यहाँ अलग अलग प्रकार की भाई साइकिलें लोग रखते हैं जिनके पास होती। और ये देखो यहाँ से अगर थोड़ा आगे चला जाए तो मस्त भाई चमकती धूप दिखती हुई, ग्रीनरी दिखती हुई, पेड़ एकदम अलग अलग यहाँ पे। और अब अगर थोड़ी बात करी जाए ना अपने आज का जो हेयर कट का एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि कितना पैसा लगता है, हम कहेंगे भाई कि इन्फिनिटी सैलून में ना हम मतलब इससे पहले भी कह सकते हैं 1-2 बार तो गए हैं कम से कम, और पैसे का बात करें तो आज हमने 16 यूरो पे करे हैं हेयर कट के। हालांकि जैसे वो बोर्ड दिखाया तो उसमें पढ़ सकते हो अलग अलग प्राइजेस होते हैं अलग अलग सर्विस के हिसाब से। और अगली चीज़ आती है कि भाई पढ़ता कहाँ है, तो जैसा बताया आइजनबान स्ट्रासा है वहाँ पे पढ़ता है अपना कॉमर्स बैंक, पहले पढ़ता है अगर उत्तम कबाब की तरफ से जाओगे मतलब फाउंटेन के पास जो अपना स्टार्ट मेटा का बस स्टॉप है वहाँ उतरोगे तो वहाँ से भाई सीधा जाना है, राइट लेना है, सीधा सीधा चलते चले जाओगे तो पहले कॉमर्स बैंक आएगा फिर अपना इन्फिनिटी सैलून आएगा, तो वहाँ जाके बैठ सकते हो। अब भाई मुद्दा आता है कि क्या कभी कभी वेट करना पड़ता है, हम आज गए थे तो हमारे साथ ही साथ कह सकते हैं एक और शख्स आए थे अपने बच्चे के साथ, तो वहाँ पर भाई उनके पास 2 लोग थे तो उन्होंने पैरेलली दोनों लोगों को बुला लिया था, तो हमें कह सकते हैं आज इतना कोई वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन कभी कभी जब हम जाते हैं ना तो भाई लाइन लगी होती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ही वो बुलाते हैं। अगली चीज़ ये है कि उनको बताएं कैसे, फॉर एग्जांपल कि आइडिया कैसे दें कि हमें बाल कैसे कटवाने हैं। तो जब हम भारत में बाल कटवाए थे ना तो वहाँ पे हम भाई वीडियो बनवा लिए थे कि मतलब एक बार आप ऐसे सामने से पूरा वीडियो बना लीजिए, और जब हम इन्फिनिटी सैलून में एक बार बाल कटाए थे तो मुंतशिर ने शायद हमारा एक बार वीडियो बनाया था, तो हम दोनों वीडियो ले गए थे उनको दिखाने के लिए कि भाई देखिए आप इस हिसाब से आप काट दीजिए, तो एक रेफरेंस कह सकते हैं मिल जाता है, रेफरेंस वीडियो रहता है, तो ताकि कोई अगर डाउट हो कन्फ्यूजन हो कि भाई कैसे बताना है कि यहाँ से इतने छोटे करने हैं यहाँ से ऐसे काटना है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई वीडियो बना लो और जाके उनको दिखा दो। और वो समझ ही गए, तो उन्होंने दोनों वीडियो प्ले किया, उन्होंने कहा ठीक है। और जब उन्होंने बाल काटे तो उसके बाद भी हमने उनको कहा कि भाई आप एक बार और वीडियो बना लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम आपको ये दिखा ही देंगे। तो भाई बढ़िया से उन्होंने मतलब बाल तो काटे ही, उसके बाद जैसे पूछ भी रहे थे आप कहाँ से हैं, जर्मन में ही बात चल रहा था, तो इसीलिए हम बोले कि अगर हो सकता है मान लो कि जर्मन में हम उनको कैसे बताएं कि हमें ऐसे बाल कटवाने हैं, तो एक रेफरेंस रखा जा ही सकता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस का बात करें तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बीच में उनसे बात भी हुआ, एंड में उन्होंने दिखाया भी कि देखिए पीछे से आपके बाल ऐसे दिखते हैं, और एंड में पैसे देने होते हैं जैसे अपना हेयर कट हो गया तो उसके बाद वो आए और अपना 16 यूरो उन्होंने बताया, तो भाई वही हमने उनको पे कर दिया, कैश से पे किया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कैश
भाई अपने साथ रख लो, कि हो सकता है सिर्फ कैश का ही पेमेंट हो तो एक ऑप्शन रहता है अपने पास, अगर कार्ड पेमेंट ना हो तो भाई इन्फिनिटी सैलून हम रिकमेंड करेंगे कि जिसको भी जाना हो, अगर आइडिया ना हो कि हम काइज़रस्लाउटर्न में आए हैं और कहाँ जा सकते हैं हेयर कट के लिए, तो 16 यूरो में मैं कह सकता हूँ भाई वर्थ इट तो रहता ही है, और बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, और फ्रेंडली भी वो रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आप वीडियो ले जा सकते हो, उनको बता ही सकते हो। हम भी चलते चलते अपना मस्त धूप ले रहे हैं और आप अपना वापस अपार्टमेंट में चलते हैं। देखो भाई यहाँ अलग अलग पोस्ट बॉक्स भी दिख सकते हैं जहाँ पे कभी कभार अपने कोई मेल से तो वो आते हैं, और हम अपना रूम पे भी जाते हैं। वैसे भाई अपना ना आज लिडल भी चलना है, थोड़ा सामान लेना है, तो वैसे अपना हम रूम पे आए ताकि अपना भाई ये जो लिडल का झोला है इसे उठा लें और अब चलते हैं अपना लिडल। तो उतरते हैं अपना पहले तो नीचे और यहाँ से चलते हैं भाई आगे, अपना दाएं मुड़ते हैं। ये देखो अब सामने अपना जो लिडल है उसका भी झलक दिख सकता है मस्त नीले आसमान के नीचे। चलते हैं भाई हम अपना अंदर पहले तो। देखो यहाँ पे फंड भी कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ देखो अलग अलग फल भी रखे दिख सकते हैं, और ये अपनी ब्रेड्स का सेक्शन है, यहाँ देखते हैं अगर कुछ उठा सकते हैं तो। अपने जरा ओट्स भी उठा लिए जाए यहाँ से, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का सामान भी दिख सकता है। सामने अपने राजमा छोले के कैन भी होते हैं वहाँ पे, वो भी हम ले लिए हैं भाई। ये देखो तो भाई अलग अलग जो सामान चाहिए था वो तो उठा लिए अपने झोले में, भर लिए, चल के बिलिंग भी करा लीजिए। ये देखो यहाँ से आगे बिलिंग काउंटर, तो चलो भाई अपना बिलिंग भी हो चुका है, सामान लेके चलते हैं अपना रूम की तरफ। बढ़िया ब्रेड भी उठाए, तो भाई थोड़ा भूख लग रहा था, तो थोड़ा भूख भी मिटेगा उसको खा के। और इस वक्त भी बढ़िया धूप की चमक तो निकली हुई है, और देखो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग तक भी हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, और अपना रूम पे भी हम पहुंच चुके हैं। अगर जो ब्रेड है वो दिखाई जाए तो देखो एक ब्रोडशेड टाइप की है मस्त, और साथ में कह सकते हैं एक और ब्रेड है जिसमें अपनी ये देखो चीज़ की कह सकते हैं थोड़ी लेयरिंग टाइप की है, तो भाई बढ़िया इसे भी निपटाते हैं खाते हैं। ब्रेड तो हम अपना बढ़िया निपटा है, समय का बात करें तो ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास का समय हो ही रहा है। अभी थोड़ा अपना काम करेंगे और फिर आराम करेंगे। तो आई होप हमारे साथ आज के दिन का पूरा ब्लॉग देख के मजा आया होगा, जो वन ऑफ द मुद्दा रहा कि हम बाल कटाने गए, काइज़रस्लाउटर्न में कहाँ गए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पता लगी होगी कि इन्फिनिटी सैलून जैसा बताया कि आइजनबाहनस्ट्रासे में पड़ता है, पहले कॉमर्स बैंक आता है अगर इस रास्ते से जाओगे, जो रास्ता दिखाए हैं, और फिर आगे जाके अपना सैलून आ जाता है। 16 यूरो हमने पे किया और मस्त बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो जो लोग यहाँ आने वाले हैं, जो अभी तक इस सैलून में नहीं गए हैं, वो भाई जा ही सकते हैं और ट्राई कर ही सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए आज के ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं, और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख ही सकते हो। और हाँ, आज के ब्लॉग में नोटिस किया होगा कि हम अपना स्पोटलर पार्टी का टिकट लाए हैं, कितने का टिकट पड़ा, क्या मामला है, किसी अलग ब्लॉग में बात करेंगे। बाय बाय।